हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी कॉमिक वर्ल्ड में, जहाँ पर मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ सीक्रेट वॉर का एक और एक्साइटिंग एपिसोड। और इससे पहले के एपिसोड देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैशटैग का इस्तेमाल करें या फिर मेरे चैनल की प्लेलिस्ट देखें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले हम देखते हैं प्रॉफिट को, जो कि अपने पूरी टीम को इमर्ज कर चुका था और उसने पूरी टीम को एक आइडिया दे दिया था कि डूम कोई गॉड नहीं है, यहाँ तक कि वो एक अच्छा इंसान भी नहीं है, तो फिर हम उसके अंडर काम क्यों करें, वो हम पर रूल क्यों करें। प्रॉफिट के शब्द एक आग की तरह उन लोगों पर बरस रहे थे और उसका कहना सही भी था, उसके शब्द लॉयल्टी बयां कर रहे थे और वो सभी अपनी फ्रीडम के लिए एकजुट हो चुके थे और प्रॉफिट ने ही उन्हें गॉड डूम के कैसल के नीचे खड़ा किया था ताकि वो लोग इस ग्रेट वॉर को जीत सके। लेकिन ये प्रॉफिट आखिरकार था कौन? और तब हम देखते हैं कि ये और कोई नहीं बल्कि मैक्सिमस था, जिसने ये सब कुछ किया था। वही प्रॉफिट था जिसने आज डूम को एक जंग के कगार पर खड़ा कर दिया था और पूरे डूम वर्ल्ड को। गॉड डूम का कैसल, जहां पर ब्लैक स्वान गॉड डूम की आर्मी को ज्वाइन करने की रिक्वेस्ट करती है, लेकिन उसे मना करते हुए वो कहता है, नहीं, तुम यहीं पर रहोगी और मेरे साथ प्यार से उस वॉर का नजारा देखोगी और जिन लोगों ने मेरे खिलाफ खड़े होने की हिम्मत की है उन्हें तो। लेकिन तभी सुधर कहती है कि इसे पर्सनल लेने की जरूरत नहीं है विक्टर, ये चीजें भी बाकी की तरह खत्म हो जाएंगी, ये आम चीजों की तरह खत्म हो ही जाएंगी। लेकिन वलेरिया कहती है, नहीं, इस बार आप गलत है क्योंकि ये डिफरेंट है और ये इससे कहीं बढ़कर होने वाला है। ये सुनकर डूम अपने थॉट्स को बनाने के ऑर्डर निकालता है। यहाँ मैक्सिमस के शब्द अपनी सेना में जान भर रहे थे, लेकिन तभी कुछ गॉब्लिन्स उसके मुंह को बंद करते हुए कहते हैं कि अब तुम ये अपना लो कि ये तुम्हारा अंत है। यहाँ पर गॉब्लिन आर्मी प्रॉफिट की आर्मी पर भारी पड़ रही थी और ये देखकर कैप्टन मार्वल कहती है, प्रॉफिट की आर्मी ब्रेक हो रही है, यही टाइम है। और वो कहती भी है कि अब समय आ गया है कि तुम अपनी क्लोन आर्मी को साइड स्विच करने के लिए कह दो। इतना कहते ही गॉब्लिन क्वीन देखती है कि सिनिस्टर की क्लोन आर्मी उनके खिलाफ है और देखते ही देखते कैप्टन मार्वल गॉब्लिन क्वीन को भी धराशायी कर देती है। ये देखकर गॉब्लिन क्वीन पूछती है कि मुझे पता था सिनिस्टर कि तुम हमेशा से गद्दार हो, लेकिन अभी क्यों, तुमने अभी क्यों गद्दारी की? तब वो कहता है, तुम तो जानती हो कि मेरे पास हार्ट नाम की कोई चीज नहीं है, लेकिन अभी भी ट्रेन करने का एक सबसे बड़ा कारण ये है कि कैप्टन मार्वल मेरे साथ है। और उसे किक करते हुए कहता है, और वैसे भी मुझे तुम्हारा ये टैकी आउटफिट बिल्कुल भी पसंद नहीं है जो तुम पहने हुए हो। लेकिन तभी उन पर हमला होता है और कोई सिनिस्टर का सर काट लेता है। वो एपोकैलिप्स का ही एक सैनिक था और वो उसका सर काट कर एपोकैलिप्स को बुलाता है। एपोकैलिप्स आगे बढ़ते हुए कह रहा था कि वॉर का प्लेस सबसे बढ़िया जगह होती है और उसे मुंडों को ट्राई करने के लिए। ये अच्छा हुआ कि तुम और मैं आखिरकार आमने सामने आ ही गए और अब तुम्हारा सर भी मेरे हाथों में है सिनिस्टर। तब सिनिस्टर उसे चिढ़ाते हुए कुछ कहता है और तभी कहता है कि ये देखो, डूमगार्ड जहाँ पर थॉर्स आ चुके थे, लेकिन उनका होस्ट कहीं नजर नहीं आ रहा था जो कि डॉक्टर स्ट्रेंज था। तो ग्रेट हॉल में थॉर्स अपने ही लोगों के साथ लड़ रहे थे और उन्हें न्यूकमर यानी के थॉर ने, जो कि अल्टीमेट यूनिवर्स से थी, उन्होंने सच्चाई बता दी थी और कुछ लोगों को ये बात समझ में नहीं आई और कुछ लोगों को आ चुकी थी। तो उन सभी को लीड करते हुए लेडी थॉर यानी के जेन फॉस्टर कहती है, मुझे पता है भाई और बहनों कि तुम्हें अपने हार्ट से पता है कि मैं जो कह रहे हो वो सही है और तुम भी जानते हो कि गॉड डूम सिर्फ गॉड बनने के नहीं बल्कि एक आम इंसान बनने के भी लायक नहीं है। तो अब ये बैटल मेरे साथ कौन कौन लड़ेगा, वो जो इस सबका बदला लेना चाहता है। और तब थॉर की आर्मी जेन फॉस्टर के पीछे पीछे उस वॉर जोन तक पहुंच चुकी थी। यहाँ पर थॉर्स उस जंग में अपना किरदार निभाने आ चुके थे उस गॉड को तबाह करने। और तभी गॉड डूम, सू और वलेरिया रिचर्ड सभी देखते हैं कि बाजी अब उनके हाथ में नहीं रही और थॉर सब डॉक्टर डूम के ही खिलाफ लड़ने के लिए तैयार हो चुके थे। तब डूम कहता है, मुझे इसी का डर था, फिर से धोखा मिलने का। यहाँ पर एपोकैलिप्स थॉर्स को मारते हुए कहता है, तुम लोगों की हिम्मत भी कैसे हुई जब मैं एपोकैलिप्स खुद गॉड डूम के सामने अपनी पूरी ताकत के साथ झुक जाता हूँ, तो फिर तुम लोग
भर्ती होने के बाद भी इतनी हिम्मत कैसे दिखा सकते हो। और थॉर्स को पीटते हुए एपोकैलिप्स कह ही रहा था कि तभी ऊपर शील्ड हैरी कैरियर आता है। ये एक नई उम्मीद थी उन लोगों के लिए जो इस सबको जानते थे, लेकिन तभी हम देखते हैं कि वो शील्ड हैरी कैरियर नहीं बल्कि मास्टर हैरी कैरियर था, जो कि वर्ल्ड ब्रेकर को लेकर आ चुका था और सभी वर्ल्ड ब्रेकर हल्क्स उस फाइट को ज्वाइंट कर चुके थे। प्रोजेक्ट 42 जहां पर दो रीड रिचर्ड अपने काम पर लग चुके थे और मेकर रीड रिचर्ड से कहता है कि मैक्सिमस की आर्मी डूम के फोर्सेस को उलझाए हुए है, यही चांस है कि हम अपना काम कर ले। तभी रीड रिचर्ड स्टार लॉर्ड को एक छोटी सी टीम के साथ उस चीज को चुराने भेजता है जो कि मल्टीवर्स के लिए वैल्यूएबल थी और स्टार लॉर्ड अपने काम पर निकल पड़ता है। लेकिन तभी मेकर कहता है कि अब अपना सीक्रेट प्लान बताओ मुझे। तब वो कहता है ये सीक्रेट प्लान मेरा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। और तब वो कॉल करता है टचाला को। टचाला जो कि उसे आंसर करते हुए कहता है कि बताओ रीड तुम क्या कह रहे हो। तब रीड कहता है कि हम निकलने के लिए तैयार है, क्या तुम तैयार हो। तब वो कहता है ऑलमोस्ट, लेकिन जितना वक्त मुझे मिल पाए उतना सही होगा, क्योंकि ये ऐसी चीज नहीं है जो कि एक बार शुरू हो गई तो हम इसे बंद करके बॉक्स में रख पाए। तब वो कहता है तो ठीक है, इस चीज के लिए गुड लक। और वो कहता है और अगर टचाला ये वर्क नहीं कर पाया तो इतना समझ लेना कि हम फेल होने के साथ साथ ये सब कुछ भी गवा देंगे। तब रीड से वो कहता है तो फिर मैं तुम्हें किसी और साइड पर मिलूंगा, भरोसा रखो दोस्त, डेथ कुछ और नहीं है बल्कि सिर्फ एक अलग जर्नी है। और वो कहता है और तब तक के लिए गुड लक। तभी नेमर उसके पीछे जाते हुए कहता है तुम्हें पता है तुम्हारी ये बातें सुन के मैं लगभग अभी रोने ही वाला था। और जब हम देखते हैं कि वो दोनों सीज करेजेस के थ्रू द शील्ड तक पहुंच चुके थे और यहाँ पर नेमर उसे टीज करते हुए अभी भी कह रहा था तुम्हें यकीन नहीं हो तो मेरे इन बहते हुए असली आंसुओं को देख लो। तब वो उसे कहता है कि तुम यही रुको मैं नीचे जाऊंगा। और नेमर नीचे जाते हुए टचाला को देखकर कह रहा था मुझे इन चीजों में वॉलंटरी करने की कोई आदत नहीं है टचाला, और कोई शौक भी नहीं है, लेकिन आफ्टर ऑल हमने जो स्टीफन स्ट्रेंज के सीक्रेट आर्सेनल से जो कुछ निकाला है उसके बदले में क्या तुम यही करना चाहते हो। और तुम ये जो कह रहे हो कि मैं किंग ऑफ डेड हूँ वो डायलॉग तुम इनकर्जेंट के पहले से मार रहे हो, तो इसका मतलब ये है कि ये डायलॉग अब पुराना हो चुका है और तुम्हें इसे बदलना होगा। तो अपने हाथ में रखे हुए कुछ बॉल क्रिस्टल्स को वो फेंकते हुए कहता है नहीं मुझे नहीं लगता कि ये ओल्ड हो चुका है और मैं इसे बदलने भी नहीं वाला। और तभी शील्ड टूट जाती है और नेमर उसे देखते हुए कहता है कि उसके दूसरे साइड पर क्या है। तो ब्लैक पैंथर कहता है द डेड। यहाँ डेड आकर उसके सामने नील हो चुके थे और किंग टचाला कहता है मेरी बात सुनो, हम एक बार अगर उस सिच करेजेस के थ्रू ट्रैवल करके निकल गए तो लाइफ तुम्हें एक दूसरा चांस देगी, अपॉर्चुनिटी देगी कुछ बेटर और कुछ अच्छा करने का। लाइफ तुम्हें एक सेकंड चांस देगी ये सब कुछ ठीक करने का, और अगर तुम चाहो तो ग्लोरी और ऑनर तुम्हारा इंतजार कर रही है, तो तुम मेरे साथ सिर्फ उस सिच करेजेस के दूसरे तरफ चलो और उस फर्ट को ज्वाइन करो जो कि तुम्हें ग्लोरी और ऑनर दे सकती है। तभी कुछ ज़ॉम्बीज कहते हैं जिसमें से एक मोडॉक था। मोडॉक कहता है कि एक सेकंड रुको, मैं टोटली कंप्लीट फील कर रहा हूँ यहाँ पर, अगर हम तुम्हें फॉलो करते हुए वहां पर चले भी गए तो भी हम ये सब मिस करेंगे। तब कैप्टन ब्रिटेन कहता है हाँ ये सच है। और मोडॉक ये कह रहा था तभी नेमर का ट्राइडन उसके आर पार हो जाता है और तब वो कहता है इन मॉन्स्टर से क्या पूछते हो, तुम्हारा किंग तुम्हारे आंसर्स की राह देख रहा है। तब सारे ज़ॉम्बीज डर कर कहते हैं हम ग्लोरी और ऑनर चुनेंगे। और इसी के साथ आज का एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। तो आप मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा, साथ ही साथ अगर आपको इस वीडियो के अलावा और कोई सजेशन है तो भी मुझे कमेंट करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फ्रेंड्स, एंजॉय द लाइफ, धन्यवाद और जय हिंद।